हरियाणा चुनाव को लेकर के जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे उठा पटक बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ माना जा रहा था कि कांग्रेस के अंदर बिखराव आता जा रहा है, किस वजह से? दो वजह थी इसकी, हुड्डा का अलग होना और शैलजा गुट का अलग होना, जिसकी वजह से बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे थे और बीजेपी इसमें अपना फायदा देख रही थी, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली में हुड्डा और शैलजा के बीच वो पैचअप कराते हुए नजर आए हैं, इसके काफी ज्यादा सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव के बीच एक समय कुमारी शैलजा के बीजेपी में जाने के कयास भी लगाए जाने लगे थे। अब एक तस्वीर आई जिसमें राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ उठाकर पैचअप कराते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के काफी ज्यादा सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, वो भी चुनाव से ठीक पहले। देखा जाए तो सियासत में संकेतों का अपना एक रोल होता है, अपनी भूमिका है, अपनी भाषा है। संबंधों से लेकर समीकरणों तक बनने बिगड़ने की इस प्रक्रिया में संकेत सबसे बड़े संदेश वाहक होते हैं, खासकर चुनावी मौसम में। हरियाणा में चुनाव है, 5 अक्टूबर को मतदान होना है और इससे 5 दिन पहले यानी कि 30 सितंबर को ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर कह सकते हैं कि छा गई। इस तस्वीर में कहने को तो राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा तक सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठाए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सियासी मायने बड़े हैं दोस्तों। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस संकेत की भाषा में कौन सा संदेश देना चाह रही है, चलिए इसे महज 4 पॉइंट में आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, हम साथ साथ हैं। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट आने के बाद से ही देखा जा रहा था कि कुमारी शैलजा की नाराजगी के चर्चे थे। सिरसा सांसद लगातार सीएम पद को लेकर दावेदारी कर रही थी, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। एक कार्यक्रम में जातिगत टिप्पणी के बाद शैलजा ने चुनाव प्रचार से भी दूरी बना ली और चर्चे तो उनके बीजेपी में जाने के भी होने लगे और बीजेपी की तरफ से बयान भी आने लगे कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं। शैलजा नारायणगढ़ की रैली में न सिर्फ शामिल हुई, उसके बाद राहुल गांधी, शैलजा और हुड्डा के हाथ उठाकर खुद पीछे हटकर पैचअप कराते नजर आए राहुल गांधी। इसके जरिए राहुल गांधी कांग्रेस की रणनीति हम साथ साथ हैं का संदेश देने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा भी, हम साथ हैं तो हाथ, यह बदलेगा हालात, इस तरह का उन्होंने लिखा। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं दोस्तों, गुटबाजी अब समस्या नहीं एक तरह से। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर रही है। सत्ता में वापसी की राह में हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को बड़ा रोड़ा माना जाता है। सूबे में पार्टी का संगठन नहीं बल्कि हर नेता का अपना कैडर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने लोग हैं तो शैलजा के भी अपने लोग हैं। टिकट बंटवारे के बाद हुड्डा गुट के दबदबे का संदेश और शैलजा की नाराजगी, प्रचार से दूरी हरियाणा की अनुकूल मानी जा रही पिच पर कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा था। पार्टी नेतृत्व भी इसे समझ रही थी। अब इस तस्वीर के जरिए हुड्डा और शैलजा दोनों ही गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही हरियाणा के मतदाताओं को भी ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि गुटबाजी कोई समस्या नहीं है। और एक तरह से देखा जा रहा है कि इसमें राहुल गांधी कामयाब भी रहे, जिस तरीके से पिक्चर वायरल हो रही है और लोग उस पर कॉमेंट कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट, शैलजा की पकड़ बरकरार है। दरअसल कुमारी शैलजा की गिनती गांधी परिवार के करीबियों में होती है। टिकट बंटवारे में जिस तरह से हुड्डा गुट का दबदबा नजर आया, ये चर्चा भी शुरू हो गई थी कि क्या शैलजा की पकड़ पार्टी पर कमजोर पड़ती जा रही है। अब इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने एक तरह से इस तरह की चर्चाओं पर विराम लगाने की भी कोशिश की है। तस्वीर में कुमारी शैलजा के एक तरफ प्रियंका गांधी थी तो दूसरी तरफ खुद राहुल गांधी। ये बताता है कि गांधी परिवार के बीच शैलजा की अहमियत कम नहीं हुई है। गांधी परिवार और पार्टी पर शैलजा की पकड़ अभी भी बरकरार है। अब चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हुड्डा के लिए क्या है मायने इसके। तस्वीर में देखें तो प्रियंका गांधी के बाद कुमारी शैलजा, राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और फिर कांग्रेस महासचिव
केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी बयान कर रही है। शैलजा जहां प्रियंका और राहुल के बीच में है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के बीच में। ये इस बात का संकेत है कि हुड्डा को भी आला कमान की सुननी ही होगी और चुनाव के बाद सीएम पर फैसले में भी आला कमान की ही चलेगी। हुड्डा शैलजा दोनों गुटों के बीच समन्वय बनाने का काम केंद्रीय नेतृत्व करेगा। ये साफ सीधा एक पिक्चर में बड़ा संदेश दिया है कांग्रेस ने। और जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं हरियाणा में, तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ जीत दर्ज कर सकती है। चाहे वो आप सर्वे देखें, कितने भी सारे बहुत सारे सर्वे में तो 60 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। मेनली दोस्तों अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर पहलवान किसान बड़ा मुद्दा रहा है अपने आप में, और नौजवान भी मुद्दा है। नौजवान इसलिए मुद्दा है क्योंकि यहाँ बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 10 साल से वहाँ बीजेपी की सरकार है और एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी वाली सिचुएशन आ गई है बीजेपी के लिए वहाँ पे, और बीजेपी को भी लग रहा है जिस तरीके से कि उनकी सरकार जाने वाली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।